तो गाइस वेलकम टू द 8th वीडियो ऑफ द मंथ टेक सीरीज। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं JWT। तो सबसे पहले तो JWT है क्या, तो अगर आप गूगल पर देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा, डेडिकेशन ऑब्जेक्ट विच इज यूज टू सिक्योरली ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन ओवर द वेब और ब्ला 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 काफी कुछ। पर अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो JWT एक नोड JS का ही पैकेज मैनेजर है, पैकेज है जो कि जब भी यूजर हमारा साइन इन करता है हमारी वेबसाइट पर तो उसे एक यूनिक आईडी देता है, और उस यूनिक आईडी की मदद से हमारा जो भी डेटा का ट्रांसफ़र है हम वेरिफिकेशन करके और भी ज़्यादा उसे सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर मैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा यूज़र, इसका नाम है गोलू, और यहाँ पे गोलू ने पहले हमारी वेबसाइट पर साइनअप किया, फिर उसके बाद साइन इन किया, और उसके बाद ये जो हमारा JWT पैकेज मैनेजर ने इसने इसे एक यूनिक आईडी दी। अब यूनिक आईडी मिलने के बाद जब भी गोलू हमारे सर्वर पर कोई रिक्वेस्ट करेगा, सपोज उसे पोस्ट क्रिएट करना है या फिर उसे किसी पोस्ट पे कमेंट करना है या लाइक करना है, वो अगर किसी भी तरह की रिक्वेस्ट करेगा जो कि एक साइनेड यूज़र को करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो उसका आईडी वेरिफिकेशन होगा कि पता करने के लिए कि ये वही बंदा भेज रहा है ना जिसको हमने साइन इन किया है। और ये डेफिनेटली जो आईडी है ये MongoDB की जो भी हमारी ऑब्जेक्ट आईडी होती है डेटाबेस की, आप अगर MongoDB के डेटाबेस में जाके देखेंगे तो जितने भी यूज़र वहाँ पे सेव होंगे उनके नेम, ईमेल, यूज़र नेम के संग एक ऊपर ऑब्जेक्ट आईडी भी होगी, तो डेफिनेटली ये आईडी उससे लिंक होती है। जो तो बेसिकली इस पूरे JWT पैकेज मैनेजर को यूज़ करने का हमारा मेन मकसद यही है कि हमारी ये जो वेबसाइट है हम इसे और सिक्योर बनाएं, इस पर जो डेटा का ट्रांसफर है उसे मोर सिक्योर बना सकें हम थोड़ी सी वेरिफिकेशन ऐड कर। तो यहाँ पे हम अपने इंस्टाग्राम क्लोन को खोल लेते हैं और उसके बाद उसमें जो भी हमारे रिक्वायर्ड फाइल्स हैं उन्हें क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा इंस्टा क्लोन खुल गया है, और अब इसमें मैं सबसे पहले तो यहाँ पे चलता हूँ बैकएंड में, तो यहाँ मैं टर्मिनल को सबसे पहले ऊपर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा CD बैकएंड, ताकि आप ये जो एक मिनट बैकएंड की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई आई थिंक, ताकि ये जो आप पाथ देख रहे हैं तो ये सीधे इंस्टाग्राम फोल्डर में खुल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये पाथ हमारे बैकएंड फोल्डर में खुले ताकि मैं जो बैकएंड में जो भी मुझे मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने हैं वो कर पाऊँ। तो यहाँ मैं CD बैकएंड लिख के यहाँ पे एंटर मारता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे बैकएंड के अंदर ये टर्मिनल खुल गया है। और अब मैं यहाँ लिखूँगा npm install json web token, जिससे कि जो भी हमारा JWT हमारा पैकेज मैनेजर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं। तो यहाँ पे हमारा JWT इंस्टॉल हो गया है। अब हमें चलना है यहाँ पे बैकएंड फोल्डर में, यहाँ auth.js फाइल में। तो यहाँ पे ये जो JWT है हम यहीं पे इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही चाहते हैं कि हमारे JWT यूज़र को मिले। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा JWT को। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल नेम देता हूँ JWT, और उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा रिक्वायर। आपको याद ही होगा कि हम रिक्वायर लिखते हैं Node.js या Express.js में किसी भी हमारे पैकेज मैनेजर को इंपोर्ट करने के लिए, या कोई भी फाइल अगर हमें इंपोर्ट करनी होती है हमारी किसी फाइल में, तो यहाँ पे रिक्वायर के अंदर हमें उस पैकेज का नेम लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा JSON वेब टोकन, और यहाँ पे हमने JWT इंपोर्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमने जैसे यहाँ पे मैं कीज़ वाली फाइल में आता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये MongoURL नाम की एक लिंक है हमारी, जिससे कि हमारा Mongo डेटाबेस कनेक्ट होता है। तो इसी तरह हमें एक स्पेशल की बनानी होगी यहाँ पे हमारे JSON वेब टोकन यानी JWT के लिए। तो अब वो की हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से ये MongoURL हटाता हूँ, और वो मैंने इसलिए किया ताकि मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊं। और अब यहाँ पे हम एक से ज़्यादा वेरिएबल यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हमारा थोड़ा सिंटैक्स चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इस MongoURL वाले वेरिएबल को मैं यहाँ से कट करता हूँ और इस कॉन्स्ट ये जो लिखा है इसे हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने module.export फंक्शन लगाया है, इसी के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ MongoURL वाला जो भी हमारा वेरिएबल है, और यहाँ पे उसकी की है और उसके अंदर उसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ कॉमा, और अभी यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, रेड लाइन। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमने mongo.export के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो यहाँ पे हमें एक कॉलन का यूज़ करना है, और यहाँ पे एरर देखिए चला गया है। अब इसके बाद हम दूसरा यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे जो कि है JWT के लिए। तो ये बेसिकली हमने इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हम दो वेरिएबल एक्सपोर्ट करेंगे, और दो वेरिएबल को एक्सपोर्ट करने के लिए हमें ये सिंटैक्स यूज़ करना बेटर रहता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा JWT, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सीक्रेट। तो यहाँ मैंने लिखा सीक्रेट, और यहाँ पे मैं लगाऊँगा कॉलन, और इसके अंदर आप कोई भी रैंडम 10 से 12 वर्ड्स की कोई भी स्ट्रिंग डाल सकते हैं। तो मैं ऐसे ही कोई भी रैंडम डाल देता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सेव करूँगा।
अब यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे एरर आ जाएंगे आई थिंक। तो मैं यहाँ ऐप स्टार्ट करता हूँ, नोडमोन ऐप, और यहाँ देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ गए हैं, वो इसलिए वजह से आए हैं क्योंकि यहाँ पे हम जो मोंगो URL यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ से आई थिंक ठीक से इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर हम app.js में चलते हैं और यहाँ पर हमें थोड़ा सा यहाँ पर कुछ कोड चेंज करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम मोंगो URL यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली जो हमारा .keys.js है वो वहाँ से दो वेरिएबल एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हमें उसे बताना होगा यहाँ पे हमारी app.js को कि हमें कौन सा वेरिएबल उससे इंपोर्ट लेना है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा पहले तो curly braces, और curly braces लगाने के बाद मैं यहाँ पे अंदर उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा जो भी मैं चाहता हूँ कि मैं key.js से इंपोर्ट करूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ mongo url और इसे सेव करता हूँ। तो आई थिंक अब मेरे यहाँ पे एरर्स चले जाने चाहिए। तो ये देखिए गाइस, यहाँ लिखा गया सक्सेसफुली कनेक्टेड टू मोंगो और अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, तो ये हमारा फिक्स हो गया है। तो इसी तरह से ये जो हमने JWT सीक्रेट बनाया था हम उसे भी इंपोर्ट करेंगे। ये मैं कुछ फाइल्स हैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो JWT सीक्रेट बनाया ये हम auth.js में इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं लिखूँगा const curly braces JWT सीक्रेट और यहाँ लिख देते हैं हम require। तो देखते हैं इसका पाथ क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे ये auth वाली जो फाइल है ये रूट्स फोल्डर के अंदर है और उसके बाद key.js है। तो पहले तो हम इस फोल्डर से बाहर आएंगे, उसके बाद यहाँ पे ये कीज़ को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये JWT सीक्रेट जो भी हमारा वेरिएबल है इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इस वेरिएबल का यूज़ करके हम एक टोकन भेजेंगे यूज़र को जब भी वो साइन इन करता है। तो यहाँ पे ये जो पोस्ट मेथड आपको दिख रहा है साइन इन का, तो यहाँ पे इसी के अंदर देखते हैं कि कहाँ पे ये सक्सेस हो रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये सक्सेस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे bcrypt से ये पासवर्ड मैच करता है, और अगर यहाँ पे पासवर्ड मैच हो जाता है तो यहाँ पे हम मैसेज भेज रहे हैं साइन इन सक्सेसफुली, यानी कि यहीं पे जो भी हमारा यूज़र है वो कम्प्लीटली साइन इन कर जाता है हमारी वेबसाइट में। तो इस पूरे कोड को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और इसकी जगह मैं यहाँ पे एक टोकन सेंड करूँगा हमारे यूज़र को। तो पहले तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ const का यूज़ करके, और उसके अंदर मैं यहाँ पे JWT.sign फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो ये एक बेसिकली एक टोकन रिटर्न करेगा हमारी यूज़र को। तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है, पहला पैरामीटर तो हमें इसमें देना होगा, एक आईडी देनी होगी, और वो आईडी कौन सी होगी, वो आईडी हमारी जो भी मोंगो डेटाबेस में वो जो यूज़र ने साइन इन किया है उस यूज़र की जो भी आईडी हमारे मोंगो डेटाबेस में है वो आईडी हमें डालनी होगी। अब आप सोच रहे हैं कि वो आईडी हम कहाँ से लाएंगे, तो आप देख ही सकते हैं ये जो हमारा user.findOne फंक्शन है ये ईमेल के थ्रू उस यूज़र की सारी डिटेल्स लाता है, तो उसी डिटेल्स में उसकी आईडी भी होगी। तो यहाँ पे हम सेव्ड user.id अगर यहाँ पे डालेंगे तो उस यूज़र की आईडी हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ _id:saveduser.id। तो बेसिकली यहाँ पे एक वेरिएबल नेम मैंने बना दिया है _id, और इसके अंदर ये जो सेव्ड यूज़र यहाँ पे हमारा आपको पैरामीटर दिख रहा है, तो ये सेव्ड यूज़र जो भी आईडी लेके आएगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा और दूसरा पैरामीटर डालूंगा जो कि है JWT सीक्रेट। तो यहाँ पे हमारी जो भी मोंगो डेटाबेस में आईडी होती है और जो भी हमने वो एक स्पेशल टाइप की स्ट्रिंग बनाई है उसको मिक्स करके और अपने कुछ यहाँ पे वर्ड्स डाल के ये जो हमारा JWT है एक यूनिक टोकन बनाता है। तो इस वेरिएबल के अंदर वो टोकन बन गया, और मैं यहाँ लिखता हूँ console.log टोकन, ताकि वो टोकन जो भी आएगा वो हम देख पाए अपनी स्क्रीन पे। ओके, तो अब यहाँ सेव करने के बाद हम अपने थंडर क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट हमें भेजनी है लोकल होस्ट 5000 पर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ http://localhost:5000/, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले तो एक्चुअली मैं साइन अप लिखूँगा जिससे कि मैं एक ईमेल और पासवर्ड के थ्रू यहाँ पे साइन अप कर पाऊँ, जिससे मैं साइन इन कर पाऊँ, क्योंकि जो जिस भी ईमेल और पासवर्ड से मैंने अब तक साइन अप किया है मुझे वो कोई भी याद नहीं है। तो यहाँ पे अब मैं चलता हूँ बॉडी में, और यहाँ पे मुझे हेडर्स भी यहाँ पे सेट करने होंगे। तो हेडर्स में मुझे डालना होगा कंटेंट application/json। तो ये हेडर हम क्यों सेट कर रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ फ्रंट एंड में भी हमने ये हेडर्स लगाए हैं, src में अगर हम कंपोनेंट्स में जाएं और यहाँ पे अगर हम signup.js में जाएं तो आप देख सकते हैं कि जब भी हम यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो वहाँ पे हमारे ये सेम हेडर्स गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडर्स में जब भी हमने ये फेच रिक्वेस्ट दी है
तो यहाँ पे कंटेंट टाइप में हमने एप्लीकेशन स्लैश जेसन डाला है, क्योंकि हमें बताना होता है हेडर्स में कि जो भी हमारा कंटेंट का टाइप है वो क्या है। तो यहाँ पे कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन करने के बाद हम बॉडी में यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो इसमें मैं नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल डाल देता हूँ। तो अब इसके थ्रू हम साइन अप करेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि हमने तो वहाँ पे कुछ रेजेक्स यूज़ किया था, तो हम ये पासवर्ड ऐसे कैसे दे सकते हैं, तो वो फ्रंट एंड में रेजेक्स यूज्ड है और यहाँ पे हम थंडर क्लाइंट में बिना किसी फ्रंट एंड के डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमें वो रेजेक्स फॉलो करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे तो कुछ एरर आ गया है। लोकल होस्ट 5000 पे ये हमने नेम डाला है, यूज़र नेम डाला है, ईमेल डाला है और पासवर्ड डाला है, बट यहाँ पे कैन नॉट ओके। तो गाइज यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट गेट की जगह पोस्ट करनी है, और फिर से सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे रजिस्टर सक्सेसफुली आ गया, यानी कि हम रजिस्टर कर गए हैं। अब यहाँ पे मैं नेम और यूज़र नेम रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ ईमेल पासवर्ड रहने देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ साइन इन। और साइन इन लिखने के बाद यहाँ पे जो साइन इन का पाथ है उस पे हम पोस्ट रिक्वेस्ट डालते हैं, तो सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए गाइज, हमें यहाँ पे कंसोल में एक यूनिक सा टोकन मिल गया है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ आते हैं auth.js में, और यहाँ पे ये रेस्पॉन्स में सेंड कर देते हैं। तो response.send टोकन, और मैं इसे सेव करता हूँ। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट यहाँ डालता हूँ। तो ये देखिए गाइस, हमें ये रेस्पॉन्स में टोकन मिल गया, और इससे हम अभी इतनी इजीली कॉपी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा करते हैं, इसे जेसन फॉर्मेट में भेजते हैं। तो यहाँ पे rest. मैं लिखता हूँ जेसन और सेव करता हूँ, और यहाँ पे मेरा सर्वर कनेक्ट हो जाए MongoDB से। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट यहाँ पे डालूंगा, और यहाँ सक्सेसफुली कनेक्टेड टू मोंगो लिखा गया। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सेंड, और ये देखिए हमें यहाँ पे टोकन मिल गया, जिसे हम इजीली कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ पे हमारा यूज़र जब भी साइन इन कर रहा है हमारी वेबसाइट में, तो उसे एक यहाँ पे साइन इन टोकन मिल रहा है। तो इसके बाद हमें वेरीफाई करना है इस टोकन को जब भी यूज़र कोई रिक्वेस्ट डाले हमारे सर्वर पे। अभी हम फ्रंट एंड वाले पार्ट पर वर्क नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई फ्रंट एंड से भी यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजता है, मतलब साइन इन करता है, तब भी उसे ये यूनिक टोकन मिल जाएगा, और वो यूनिक टोकन हम बाद में एक लोकल स्टोरेज में सेव कर देंगे, ताकि वहाँ से वो यूज़र उसका यूज़ कर पाए बार बार। तो लेकिन अभी के लिए उस चीज़ पर हमें ध्यान नहीं देना है। अभी सिंपली हमें ये टोकन मिल रहा है साइन इन करने पर हमारे यूज़र को, अब हमें इसका यूज़ करके एक वेरिफिकेशन के लिए फंक्शन बनाना है। तो उसके लिए हमें एक मिडलवेयर बनाना होगा। अब अगर आपको याद नहीं है मिडलवेयर क्या होता है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसे। तो यहाँ पे अगर हम app.js में आए, तो आपको ये कुछ फंक्शंस दिख रहे हैं, जैसे app.useCourse, app.useExpress.json। तो ये हमारे मिडलवेयर फंक्शंस हैं। ये क्या करते हैं कि जब भी हमारे सर्वर पर रिक्वेस्ट आती है, तो उस रिक्वेस्ट को सर्वर पर जाने से पहले ही वो उसमें जो भी हमारे रिक्वायर्ड चेंजेस हैं, जो भी हमने सेट किए होते हैं, वो चेंजेस उसमें कर सकते हैं। यानी कि सिंपल आप समझ सकते हैं कि सर्वर पे रिक्वेस्ट जाने से पहले वो रिक्वेस्ट मिडलवेयर हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे उसी तरह का हमें एक मिडलवेयर फंक्शन बनाना होगा, जो कि सर्वर पे रिक्वेस्ट जाने से पहले वो जो रिक्वेस्ट आ रही है उसकी जो ऑथेंटिकेशन है उसको टेस्ट करें। तो यहाँ पे हम एक यहाँ पे अलग फोल्डर बना लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे बैकएंड के अंदर ही मैं एक फोल्डर बनाऊंगा मिडलवेयर्स नाम का, और इसके अंदर मैं यहाँ पे पहली फाइल का नाम लगता हूँ रिक्वायर लॉगिन .js। तो यहाँ पे अब आते हैं हम auth.js में, और यहाँ पे एक और यहाँ पे रूट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा राउटर डॉट, तो ये हम गेट का बनाते हैं, और यहाँ पे हम पाथ लिख देते हैं स्लैश क्रिएट पोस्ट। तो बेसिकली यहाँ पोस्ट पाथ होना चाहिए, बट अभी गेट का बना लेते हैं, बाद में ऐसे फिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर जो भी हमारा फंक्शन है वो डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने गेट रिक्वेस्ट के लिए एक रूट बना लिया, जिसका क्रिएट पोस्ट यहाँ पे हमारा एड्रेस है। तो हम चाहते हैं कि जब भी कोई इस एड्रेस पे, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जब भी कोई रिक्वेस्ट करे, तो उसकी ऑथेंटिकेशन चेक करी जाए, यानी कि सिर्फ एक साइन इन यूज़र ही यहाँ पे रिक्वेस्ट कर पाए। तो उसके लिए हमने जो भी यहाँ पे हम मिडलवेयर फंक्शन बनाएंगे उसको यहाँ पे डाल देंगे। और वो कैसे करना है, तो यहाँ पे हम रिक्वायर लॉगिन डॉट जेएस में आएंगे, और यहाँ मैं लिखूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पे हम फंक्शन बना लेते हैं एक, जिसमें हम लेंगे रेस कॉमा रिक्वेस्ट, और यहाँ फैट एरो फंक्शन हम लगा देंगे। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो।
तो यहाँ पे मैंने console.log hello middleware कर दिया और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब इसके बाद हम चलते हैं auth.js में और यहाँ पे हम ये जो create post की get request है तो इसी में यहाँ पे ये जो हमारा एड्रेस है इसके बाद कॉमा लगाया, तो कॉमा के बाद हम यहाँ लिखेंगे require login और यहाँ पे एक और कॉमा लगा देते हैं जिसके बाद हमारा फंक्शन है उसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो require login है ये अपने आप इंपोर्ट हो गया है, const require login equal to require और जो भी इसका path है middleware folders में जाके require login वाली फाइल है वहाँ से ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log hello auth, अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे इस क्रिएट पोस्ट वाले एड्रेस पे मैं एक रिक्वेस्ट डालता हूँ, तो यहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ थंडर क्लाइंट पे जाके। अब यहाँ पे हम एड्रेस डाल देंगे http://localhost:5000/createpost। अब यहाँ पे हम एक गेट रिक्वेस्ट डालते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हेलो मिडलवेयर आ गया है और यहाँ पे अभी तक हमारा जो हेलो ऑथ है वो नहीं आया है। तो यहाँ पे इससे हमें एक बात तो पता चल जाती है कि ये जो मिडलवेयर वाला है फंक्शन वो हमारा जो भी ऑथ का फंक्शन था उससे पहले रन हुआ। अब दूसरी बात ये कि जो यहाँ पे console.log hello auth लिखा हुआ था, तो यहाँ auth.js में console.log hello auth लिखा हुआ है, ये क्यों नहीं आया? तो ये इसलिए नहीं आया क्योंकि मिडलवेयर ने आगे वाले फंक्शन को अभी रन ही नहीं होने दिया। तो वो इसको फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पे रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट के संग एक और पैरामीटर डालना होगा जो कि होगा नेक्स्ट, और इसके बाद ये console.log hello middleware करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन रन कर देंगे और इसे सेव कर देंगे। और यहाँ पे हम फिर से रिक्वेस्ट डाल के देखेंगे, तो यहाँ पहले मेरा कनेक्ट हो जाए मोंगो से मेरा सर्वर, तो यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्टेड टू मोंगो आ गया। मैं यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट डालता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हेलो मिडलवेयर पहले आया फिर आया हेलो ऑथ। तो अब यहाँ पे हमारा जो भी मिडलवेयर का फंक्शन था वो पहले रन हुआ और उसके बाद जो भी हमारे ऑथ के अंदर का फंक्शन था वो रन हुआ। तो यहाँ पे इसीलिए हम मिडलवेयर का यूज़ करते हैं ताकि जो भी हमारी रिक्वेस्ट है उससे पहले जो भी हमें रिक्वायर्ड चेंजेस करने हैं उस रिक्वेस्ट में या जो भी चेक करना है वो हम कर सकें। तो यहाँ पे अभी आपको मिडलवेयर तो समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है। तो अब यहाँ पे हम एक मिडलवेयर हमारा प्रॉपर फंक्शन बनाते हैं, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें इम्पोर्ट करनी होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ JWT नाम से, जिसके थ्रू जो जेसन वेब टोकन हमारा पैकेज मैनेजर है हम उसे इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ लिखूँगा जेसन वेब टोकन, उसके बाद जो हमारा JWT सीक्रेट था हमें उसे इंपोर्ट करना होगा, तो मैं लिखूँगा JWT सीक्रेट और यहाँ लिखूँगा रिक्वायर और ये हमें करना है कीज़ वाली फाइल से, तो इसका पाथ लिखूँगा मैं .../keys और इसके बाद हमें अपना mongoose इंपोर्ट करना है, तो मैं लिखूँगा const mongoose इक्वल टू, तो यहाँ पे mongoose हम इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इस मिडलवेयर फंक्शन में हमारी जो MongoDB से ID आएगी हमें उससे भी वेरीफाई करना है, तो इस वजह से हमें mongoose की भी यहाँ पे नीड है। तो यहाँ पे हम mongoose इक्वल टू हम लिखेंगे require और इसके अंदर मैं लिख दूंगा mongoose, तो यहाँ पे हमने mongoose भी इंपोर्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमारा जो यूज़र मॉडल है हम उसे इंपोर्ट करेंगे, तो मैं लिखूँगा const user इक्वल टू mongoose.model और यहाँ पहले उस मॉडल का नेम लिख देता हूँ जो कि है यूज़र, और याद रखिएगा इसका यू कैपिटल होना चाहिए क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ मॉडल्स में, तो मॉडल्स में ये जो model.js है तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे जो model.js में हमारा जो भी मॉडल नेम है उसमें एक मिनट यहाँ पे तो सारे लेटर्स कैपिटल हैं, तो यहाँ पे मैं require login.js में भी सारे लेटर्स यहाँ पे कैपिटल रखने होंगे, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूज़र और यहाँ भी कर देता हूँ यूज़र। बेसिकली यहाँ पे ये वेरिएबल नेम है तो यहाँ पे भले ही आपको यहाँ पे सारे लेटर्स कैपिटल रखने की नीड नहीं है पर यहाँ पे डेफिनेटली सारे लेटर्स कैपिटल होने चाहिए, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट करनी थी वो हो गई हैं और अब हम अपने मेन फंक्शन पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो भी हमारा यूज़र रिक्वेस्ट भेज रहा है हमारे क्रिएट पोस्ट वाले एड्रेस पे उसने साइन इन कर लिया है कि नहीं, यानी कि वो ऑथराइज है या नहीं। तो यहाँ हम लेंगे const authorization equal to request dot headers। अब ये हमने ऐसा क्यों लिखा है क्योंकि जो भी हम रिक्वेस्ट आएगी हमारे एड्रेस पे उसमें कुछ हेडर्स होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ फ्रंट एंड में साइन इन या signup.js में जाऊँ, तो यहाँ signup.js में अगर हम जाएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम फेच रिक्वेस्ट में यहाँ पे कुछ हेडर्स सेंड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ कंटेंट टाइप हम सेंड कर रहे हैं।
तो यहाँ पे जो भी हमारी रिक्वेस्ट आती है उसमें कुछ हेडर्स होते हैं, तो आप इस बात की टेंशन मत लीजिएगा कि साइन इन और साइन अप में हम कोई ऑथराइजेशन नाम का हेडर सेंड नहीं कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम होगी। ये जो मिडलवेयर फंक्शन है हम अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट में लगा रहे हैं जो कि हमारा क्रिएट पोस्ट रूट, तो यहाँ पे हमारे साइन अप और साइन इन वाले रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे ये हमने सिर्फ क्रिएट पोस्ट रूट पे लगाया, तो जब भी हम क्रिएट पोस्ट रूट के लिए फ्रंट एंड में जो भी हमारी रिक्वेस्ट होगी उसके लिए कोड लिखेंगे तो हमें याद रखना होगा कि हमें वहाँ पे एक ऑथराइजेशन नाम का कंटेंट हेडर वहाँ पे पास करना है। तो यहाँ पे जो भी हमारी रिक्वेस्ट हेडर्स लाएगी उसमें एक ऑथराइजेशन नाम का एक वैल्यू या की होगी, तो उससे यहाँ पे हमने ग्रैब कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे हेडर्स में से ऑथराइजेशन लेने के बाद हम यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगाते हैं कि इफ नॉट ऑथराइजेशन, तो यहाँ पे हम एक एरर रिटर्न करवाएंगे। तो यहाँ पे अगर ऑथराइजेशन वहाँ पे वेरिएबल नहीं होता है, मतलब हेडर्स में ऑथराइजेशन का जो हेडर है वो नहीं होता है, तो उसके बाद यहाँ एरर रिटर्न होगा 401 स्टेटस के संग दैट यू मस्ट हैव लॉग इन है। और एल्स कंडीशन में हम एक्चुअली यहाँ पे हम एल्स अभी कुछ नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे हम सेव करते हैं और यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हम क्रिएट पोस्ट वाले एड्रेस पे यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेंगे और यहाँ पे हमारे हेडर्स में आप देख सकते हैं कि ऑथराइजेशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे तो एरर आ गया है, बट ये एरर तो नहीं आना चाहिए था। तो एक बार रिक्वायर लॉगिन डॉट जेएस में देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या। ओ गाइस, यहाँ पे हमने रेस्पॉन्स पहले यहाँ पे पैरामीटर डाल दिया, तो यहाँ हम लिखेंगे रिक्वेस्ट पहला पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर में रेस्पॉन्स डालना है। वो मतलब कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे हम सेव करते हैं। अब इसके बाद हम फिर से यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो यहाँ पे हम करते हैं सेंड पे क्लिक। तो ये देखिए यहाँ पे हमें एरर मिल गया है, यू मस्ट हैव लॉग्ड इन, यानी कि तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन होना पड़ेगा, उसी के बाद ये जो हमारा रिसोर्स है यहाँ पे, जो भी हमारा सर्वर है, आप उस पर ये वाली रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पे ये वाली कंडीशन फॉल्स रहती है, यानी कि जो हमारा यूज़र है वो ऑथराइज कर चुका है, तो उसके बाद क्या होना चाहिए? तो उसके बाद तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स में भेजते हैं ओके, और यहाँ मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम फिर से रिक्वेस्ट भेजते हैं और देखिए अभी हम सेंड करेंगे तो एरर मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पे हम डालेंगे हेडर ऑथराइजेशन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑथराइजेशन और इसके अंदर मैं अभी कुछ भी आपको ऐसी वैल्यू डाल के दिखाता हूँ। और यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ओके आ गया है। बट डेफिनेटली हम इसमें ऐसे कोई भी जो वैल्यू है वो नहीं डाल सकते, हमें इसमें एक पर्टिकुलर सिंटैक्स में ही वैल्यू डालनी होगी। तो वो वैल्यू होगी बियरर, या जो बियर एरर है ये आपको ऐसे ही लिखना होगा, और ये बाद में हम जो भी हमारा फ्रंट एंड के लिए जो फेच रिक्वेस्ट बनाएंगे उसमें भी सेम लिखेंगे। और बियरर के बाद यहाँ पे हमारा टोकन होना चाहिए, तो यहाँ पे जो भी हमारा टोकन हमें मिला था साइन इन करने पे, मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो इसी टोकन की मदद से हमारा जो भी सर्वर है वो पता करेगा कि हमारा ये यूज़र कौन है। लाइक गोलू की जो आईडी है, उस आईडी की मदद से उसे पता चलेगा कि ये गोलू है, उसे वैसे नहीं पता होगा। तो यहाँ पे हम फिर से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो यहाँ पे अभी तो ओके आ रहा है। अभी हम रिक्वायर लॉगिन डॉट जेएस में ऐसा करते हैं, इसे हटा देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे टोकन नाम का, और इस टोकन नाम के वेरिएबल में हम लिखेंगे ऑथराइजेशन डॉट, यहाँ पे हम रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब ये रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा, इस रिप्लेस फंक्शन की वजह से ये जो बीआरआर हमने लिखा है, एक मिनट देख लेते हैं हमने बीआरआर का क्या कैपिटल हमने बी बनाया, तो नहीं है, कैपिटल बी बना देते हैं आप। तो ये बीआरआर, और बीआरआर के बाद आप देख सकते हैं हमने स्पेस दी है, तो यहाँ पे भी मैं स्पेस देता हूँ। तो ये बीआरआर और स्पेस है, और उससे जो रिप्लेस हो जाए हमारा खाली स्पेस, तो यहाँ पे हम बीआरआर स्पेस से एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिप्लेस कर देंगे। और उस करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे JWT.verify, जिससे कि हमारा JWT वेरीफाई करेगा जो भी हमारा टोकन होगा उससे, फिर कॉमा जो भी हमारा JWT सीक्रेट उसके अंदर होगा, जो भी हमारे बीआरआर के संग हमारा कोड आ रहा होगा उससे। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एरर कॉमा पेलोड। अब ये पेलोड, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं पेलोड क्या है, तो ये पेलोड बेसिकली JWT की ही एक इनकोडेड या कहें एक क्रिप्टेड स्ट्रिंग है, तो उसके बारे में आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है। हम यहाँ पे सिंपली ये फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे,
और यहाँ पे JWT का वेरीफाई फंक्शन हमने लगा दिया है, उसके अंदर हमने पहला पैरामीटर डाला है टोकन, सेकंड पैरामीटर हमारा गया है JWT सीक्रेट, और थर्ड में हमने ये फंक्शन बना दिया है जिसके अंदर हमने फर्स्ट पैरामीटर दिया है एरर और सेकंड दिया है पेलोड। तो अगर यहाँ पे मैं डालता हूँ कोई एरर आता है तो यहाँ पे हमारा एरर रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा रिटर्न रेस डॉट स्टेटस 401। एक्चुअली यहीं से मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ कॉपी, और यहाँ मैं ऐसे करता हूँ पेस्ट। इसके बाद अगर यहाँ पे एरर नहीं आता है तो हम चाहेंगे ये जो पेलोड वाला पैरामीटर है, तो ये पेलोड वाला पैरामीटर, ये जो इनकोडेड स्ट्रिंग है, इसके अंदर हमारी वो आईडी होगी जो भी हमारे मोंगो डेटाबेस में सेव है हमारे यूज़र की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और अंडरस्कोर आईडी लिखेंगे और लिखेंगे इक्वल टू पेलोड, जिससे कि ये पेलोड जो भी डेटा ला रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा और जो भी डेटा ला रहा होगा, उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ ये आईडी वाला जो वेरिएबल है ये हम यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे हम आईडी लेने के बाद हमारा जो भी मोंगो डेटाबेस होगा उसमें चेक करेंगे कि इस आईडी से कौन सा यूज़र है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र, और यहाँ पे सारे हमने कैपिटल लेटर बनाए हैं क्योंकि आप देख सकते हैं हमने मॉडल का जो वेरिएबल नेम है वो सारे कैपिटल लेटर्स का रखा है। यूज़र डॉट फाइंड बाई आईडी फंक्शन का यूज़ करेंगे हम, और इसके अंदर हम आईडी पास कर देते हैं, और यहाँ आईडी पास करने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे देन कॉल बैक फंक्शन, और उसके बाद हम यहाँ पे अंदर पैरामीटर दे देते हैं यूज़र डेटा, जिससे कि जो भी हमारा डेटा है वो हम लेंगे, और इसके अंदर हम कंसोल डॉट लॉग में करते हैं यूज़र डेटा, और इसे कर देते हैं सेव। अब इसके बाद हम रिक्वेस्ट यहाँ पे भेज के देखते हैं, तो यहाँ पे हम न्यू रिक्वेस्ट पे, यहाँ पे हमारा BRR है और उसके बाद वही वाला टोकन है जो टोकन हमें इस वाली ईमेल और पासवर्ड से साइन इन करने पे मिला है। तो यहाँ पे हम करते हैं सेंड पे क्लिक, और यहाँ पे एरर आ रहा है और ये कह रहा है यू मस्ट हैव लॉग्ड इन। तो यहाँ पे देखते हैं एरर क्यों आ रहा है। तो ऐसा करते हैं रिक्वायर लॉग इन डॉट js में ये जो हमारा पहला वाला ये एरर आता है इसे हम कर देते हैं यू मस्ट लॉग इन 1 और इसे कर देते हैं 2, ताकि हमें पता चल जाए कि एरर बेसिकली आ कहाँ रहा है। तो यहाँ पे मैं फिर से रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, तो यहाँ मैंने कि सेंड, और यहाँ आ रहा है यू मस्ट हैव लॉग्ड इन 2, यानी कि यहाँ पे जो हमारा ऑथराइजेशन है वो तो यहाँ पे इसको मैच कर गया है, बस यहाँ पे एक टोकन वेरीफाई नहीं हो रहा है, और देखते हैं ऐसा यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो यहाँ पे तो मुझे सबको ठीक लग रहा है, यहाँ पे हमने जो रिक्वेस्ट भेजी है यहीं पे हम देखते हैं, तो यहाँ BRR और उसके बाद हमने अपना टोकन, ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने टोकन में कोट्स नहीं हटाए हैं, तो हमें ये कोट्स हटाने होंगे। तो यहाँ पे मैं कोट्स हटाता हूँ ताकि हमारा टोकन ठीक से मैच हो पाए, और फिर सेंड रिक्वेस्ट मारता हूँ, तो अभी भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो देखते हैं यहाँ पे, अभी भी यहाँ पे लगता है कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है, तो यहाँ तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं और यहाँ पे हमने पैरामीटर्स डाले हैं टोकन JWT सीक्रेट, और यहाँ पे हमने फंक्शन डाला है, और यहाँ पे यहीं पे एरर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे हमने टोकन तो सही डाला है, यहाँ पे ऑथराइजेशन डॉट रिप्लेस BRR और यहाँ स्पेस, यानी कि ये जो हमें हेडर मिल रहा है तो हेडर में ये जो BRR है और उसके बाद जो आपको स्पेस दिख रहा है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा उस एम्प्टी स्ट्रिंग से, और उसके अंदर का जो भी टोकन है वो यहाँ पे हमारे इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ तो सब ठीक है क्या, यहाँ पे JWT सीक्रेट में, ओके गाइस, यहाँ पे हमने JWT सीक्रेट में यहाँ कर्ली ब्रेसेस तो लगाए ही नहीं, क्योंकि वो कीज़ वाली फाइल है, वहाँ से दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो हमें उसे बताना होगा कि हमें कौन सा वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ सेव करने के बाद अब मैं फिर से यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ उस पे, और यहाँ मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये नीचे हमें नेम, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड मिल रहा है हमारे यूज़र का, जिस भी यूज़र से हमने यहाँ पे जो भी यूज़र का टोकन डाल के हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो JWT है परफेक्ट वर्क कर रहा है, जब भी कोई यूज़र साइन इन करता है तो हमें एक टोकन मिलता है, और जो भी वो टोकन मिलता है तो वो हम हमारे लोकल स्टोरेज में बाद में सेव कर देंगे, अभी नहीं, बट वो हम लोकल स्टोरेज में सेव कर देंगे, ताकि जब भी हमारा यूज़र साइन इन करने के बाद कोई भी रिक्वेस्ट डाले, जैसा कि कोई क्रिएट पोस्ट रिक्वेस्ट डाले या फिर कोई कमेंट करे किसी भी पोस्ट पे, तो उसकी जो रिक्वेस्ट जाए तो उस रिक्वेस्ट में हेडर के अंदर उसका टोकन हो, और टोकन के थ्रू वो जो यूज़र है वो वेरीफाई हो पाए।
सो गाइज आई होप कि आपको ये JWT का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मुझे पता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट जब नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट API बनाएंगे और पोस्ट API में इस रिक्वायर लॉगिन का यूज़ करेंगे, तभी आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी कोई यूज़र साइन इन करे उसी के बाद वो कोई क्रिएट पोस्ट कर पाए, अदरवाइज वो ना कर पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो बाय गाइज, हैप्पी कोडिंग।